नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल लाइफ कंपास में आपका स्वागत है। लाइक और सब्सक्राइब करें। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में बादलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। यह सीता का घर था, एक साधारण सा घर, लेकिन उसमें बहुत सारा प्यार और अपनापन था। जिंदगी सरल थी, हर दिन एक जैसा। सुबह जल्दी उठना, खेतों में काम करना और शाम को परिवार के साथ समय बिताना। गांव वाले नेक दिल थे, उनके दिल पहाड़ी हवा की तरह शुद्ध। वे एक दूसरे की मदद करने में हमेशा तत्पर रहते थे। सीता सुबह के सूरज की तरह चमकती आंखों वाली एक जवान औरत, अपने सपनों और उम्मीदों से भरी हुई थी। एक संतुष्ट जीवन जीती थी। उसे अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी। वह अपने परिवार की मदद करती, अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ मिलकर काम करती, अपने छोटे से खेत में काम करती जहां वह सब्जियां और फल उगाती थी, और अपनी दुनिया के छोटे छोटे अजूबों में खुशी ढूंढती। उसे हर दिन कुछ नया सीखने और अनुभव करने का मौका मिलता था। सीता के दिन कुदरत की लय से भरे होते थे। नदी का शांत बहाव जो उसे शांति और सुकून देता था, हवा में पत्तों की सरसराहट जो उसे प्रकृति के साथ जोड़ती थी, उसके चेहरे पर सूरज की गर्माहट जो उसे ऊर्जा और प्रेरणा देती थी। वह अपने गांव के हर कोने को जानती थी, हर पेड़, हर रास्ता और हर झरना। घुमावदार रास्तों से लेकर छिपे हुए झरनों तक वह हर जगह की कहानी जानती थी। जिंदगी अच्छी थी, उसका दिल खुशियों और कृतज्ञता से भरा हुआ था। उसे अपने जीवन में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। उसके पास वह सब कुछ था जो उसे चाहिए था। वह अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट थी, या ऐसा उसने सोचा था। लेकिन जीवन में हमेशा कुछ न कुछ नया होता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। एक दिन सीता की खुशहाल जिंदगी पर एक साया पड़ गया। उसके पिता, उनके परिवार का आधार बहुत बीमार पड़ गए। गांव के वैद्य ने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। सीता बेबसी से देखती रही क्योंकि उसके पिता दिन ब दिन कमजोर होते गए। उसकी खुशी की जगह निराशा ने ले ली। उसकी दुनिया के एक समय के चमकीले रंग फीके पड़ने लगे। उनकी जगह उसकी छाती में एक सुस्त दर्द ने ले ली। उसने चमत्कार के लिए प्रार्थना की लेकिन उसकी दलीलें पतली पहाड़ी हवा में गायब होती दिखीं। अपने पिता को खोने का डर उसे खाए जा रहा था, जिससे वह खोई हुई और भयभीत थी। उनके बिना वह क्या करेगी, वह कैसे जी पाएगी। एक शाम जब सीता अपने पिता के बिस्तर के पास बैठी थी तो गांव की एक बूढ़ी औरत मिलने आई। वह औरत गांव में अपनी बुद्धिमानी और कहानियों के लिए जानी जाती थी। उसने एक महान गुरु पीड़ितों के लिए आशा की किरण बुद्ध के बारे में बताया। उसने कहा कि बुद्ध न केवल एक महान शिक्षक थे बल्कि एक मार्गदर्शक भी थे जो लोगों को उनके दुखों से मुक्ति दिलाने में सक्षम थे। कहा जाता था कि वह इस क्षेत्र से यात्रा कर रहे थे, अपने ज्ञान और करुणा को उन सभी के साथ बांट रहे थे जो सुनना चाहते थे। उनकी कहानियां और शिक्षाएं लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ती थी। बूढ़ी औरत की बातों ने सीता के दिल में उम्मीद की एक किरण जगाई। उसने महसूस किया कि शायद बुद्ध ही वह व्यक्ति हो सकते हैं जो उसके परिवार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। क्या यह बुद्ध वह मार्गदर्शन और सांत्वना प्रदान कर सकते थे जिसकी वह सख्त तलाश कर रही थी। सीता ने सोचा कि अगर वह बुद्ध से मिल सके तो शायद उसके पिता की हालत में सुधार हो सकता है। क्या वे उसके पिता की मदद कर सकते थे, यह सवाल उसके मन में बार बार गूंज रहा था। संभावना चाहे कितनी भी पतली क्यों ना हो, उसके भीतर दृढ़ संकल्प की एक झलक जगाने के लिए पर्याप्त थी। उसने अपने दिल में एक नई ऊर्जा महसूस की जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसने बुद्ध की तलाश करने का फैसला किया। इस नई उम्मीद को निराशा के समुद्र में एक जीवन रेखा के रूप में थामे हुए। सीता जानती थी कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उसने अपने दिल में विश्वास और साहस को बनाए रखा। अगली सुबह अपने दिल में घबराहट और उम्मीद के मिश्रण के साथ सीता बुद्ध को खोजने के लिए यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ता लंबा और कठिन था, घने जंगलों से होकर गुजरता था और खतरनाक पहाड़ी रास्तों से ऊपर जाता था। लेकिन सीता आगे बढ़ती रही। उसका दृढ़ संकल्प उसके पिता के लिए प्यार और उनके ठीक होने की सख्त उम्मीद से प्रेरित था। अपनी यात्रा के दौरान उसका सामना अन्य यात्रियों से हुआ। कुछ बुद्ध के ज्ञान की तलाश में थे तो कुछ बस ऊबड़ खाबड़ इलाकों से गुजर रहे थे।
उसने कहानियां साझा की, मदद की पेशकश की और बदले में दयालुता प्राप्त की। यात्रा की कठिनाई के बावजूद सीता ने अपने उद्देश्य की भावना महसूस की जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। यात्रा खुद अपनी सभी चुनौतियों के साथ उसे लचीलापन और अजनबियों की दयालुता के बारे में बहुमूल्य सबक सिखा रही थी। हर कदम के साथ वह अपने लक्ष्य के करीब महसूस कर रही थी और उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। रास्ते में उसने न केवल बाहरी बाधाओं को पार किया बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों को भी चुनौती दी। इस यात्रा ने उसे सिखाया कि सच्ची ताकत और साहस भीतर से आता है। सीता ने महसूस किया कि यह यात्रा केवल बुद्ध को खोजने की नहीं थी बल्कि खुद को खोजने की भी थी। हर मोड़ पर उसे नए दोस्त मिले जिन्होंने उसकी यात्रा को और भी समृद्ध बना दिया। इस तरह सीता की यात्रा एक आत्मखोज और आंतरिक शांति की यात्रा बन गई।